सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफोन की चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में आपका करता हूँ फ्रेंड्स स्वागत। फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपसे हम बात करने वाले हैं, यदि फ्रेंड्स आपने IRCTC की न्यू वेबसाइट से रेल की ई टिकट बुक करेगी तो उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या उसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, कैसे बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकते हैं। इसी वीडियो में फ्रेंड्स इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आई वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिएगा और स्मार्टफोन की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही घंटे का आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। आपने यदि टिकट बुक कर रखी है दोस्तों तो आपको ये ऊपर 4 एरो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना होगा। ऊपर आपको लॉग इन दिख रहा है ना, उस पर लॉग इन पे क्लिक कर दीजिए। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के साइन इन होना है, तो साइन इन हो जाते हैं जस्ट। दोस्तों मैं लॉग इन हो चुका हूँ, अब आगे आपको क्या करना है दोस्तों, या ऊपर आपको दोबारा 4 एरो पे क्लिक करना है। 4 एरो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों ये आपका नाम आ जाएगा, जैसे ये मेरा नेम आ चुका है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, फिर माय अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। देख सकते हैं मैंने माय अकाउंट पे क्लिक कर दिया है। फिर उसके बाद माय ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बुक्ड टिकट हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना होगा। तो मैं अब बुक टिकट हिस्ट्री पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ये मेरी टिकट बुक की हुई है। आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये क्लिक कर देंगे तो आपको ये 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे तो ये 6 ऑप्शन आ जाएंगे। इन 6 ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्तों आप टिकट को कैंसिल कर सकते हो, ई टिकट को प्रिंट कर सकते हो और गेट PNR स्टेटस की जानकारी भी ले सकते हो। SMS के द्वारा भी आप सीट नंबर और PNR नंबर भी मंगवा सकते हैं आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। उसके साथ साथ दोस्तों आप बोर्डिंग पॉइंट को भी चेंज कर सकते हो। यदि दोस्तों आपको ई टिकट डाउनलोड करनी है तो प्रिंट ई टिकट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप दोस्तों प्रिंट ई टिकट पे क्लिक कर दोगे तो नीचे आपकी ई टिकट आ जाएगी। नीचे उसके नीचे प्रिंट का ऑप्शन दे रखा होगा, उस प्रिंट पे आपको दोबारा क्लिक करना होगा और तब जाके आप अपने फोन में उस ई टिकट को सेव कर सकते हो। दोस्तों आप कंप्यूटर में करना चाहते हो तो कंप्यूटर में भी इसी तरीके से आप ई टिकट को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आपको टिकट कैंसिल करनी है तो आपको कैंसिल टिकट पे क्लिक कर आप टिकट को कैंसिल भी कर सकते हो। आशा है दोस्तों आपको आई होगी वीडियो पसंद तो जरूर लाइक कीजिए। अभी तक आपने स्मार्टफोन की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटे को भी दबाइए आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। फ्रेंड्स यदि आपके कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स में जरूर पूछिए, उनका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।